नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी ही अपनी चैनल पेंटरिस्ट पे। दोस्तों, वैसे तो मैं काफ़ी कैमरा कॉन्शियस हूं, पर कुछ इनोवेटिव करने के कारण आज मुझे कैमरा के सामने आना पड़ा। तो चलिए करते हैं कुछ इनोवेटिव। दोस्तों, एक वीरान सी सड़क आपको दिख रही होगी जिसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। अमूमन ये सड़क खाली ही रहती है और इसी कारण मैं शाम को यहाँ पे उछल कूद लगाने अमूमन आता रहता हूँ। आपको यहाँ पे लाने का मकसद मेरा यही है कि यहाँ की जो शांति है वो आप महसूस कर सके। समर और कोरोना सिचुएशन अगर ना होता तो यहाँ पे आउटडोर स्टडी भी आपको करके दिखाता, पर इस सिचुएशन में तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है। तो फिर लेते हैं कुछ फोटोग्राफ्स और उसी को जाके पेंट करते हैं घर पे। दोस्तों, मैंने सेकंड फोटोग्राफी को इस्तेमाल की है। इंटायर स्काई को दोस्तों मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड की है, लेफ्ट साइड को पहले की है और बाद में दूसरे साइड को। और यहाँ पे अल्टरमेरिन ब्लू और प्रूशियन ब्लू को मिक्स करके मैंने यूज़ की है। हॉराइजन लाइन के इस पोर्शन के लिए दोस्तों मैंने कोबाल्ट ब्लू, प्रूशियन ब्लू, बर्न साइना और विरिडियन ग्रीन का इस्तेमाल की है। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियो डेमोंस्ट्रेशन के लिए। और हाँ दोस्तों, साथ में आप कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स द्वारा ही मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो आपको पसंद आया या कि नहीं। मेरा होराइजन लाइन कंप्लीट। अब चलते हैं रोड पे। रोड के लिए मैंने दोस्तों बर्नसायना, रोसायना, क्रिम्सन लेक और प्रूशियन ब्लू को मिक्स करके जहाँ जिस हिसाब से मुझे ज़रूरत थी उसी हिसाब से यूज़ किया है। आप देखते रहिए। दोस्तों, रोड के दोनों साइड पे ही मैं ये जो लाल कलर के पार्ट्स अभी कर रहा हूँ ये कोई फूल वगैरह नहीं है, ये है रास्ते के दोनों साइड पे ही पड़े हुए ईंटें। एक्चुअली ये एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है जिनके दोनों साइड्स को ठीक तरह से मरम्मत करने के लिए ईंटें बिछाई गई थी। हॉराइजन लाइन सूखने के बाद उससे अगले वाला पार्ट जो कि है डिस्टेंट फील्ड, उस पोर्शन को मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे
आप ब्रश को थोड़ा सा ड्राई रख के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड या थर्ड टोन का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। आप ही जब करें इस बात का ख्याल अवश्य रखें, और थोड़ा थोड़ा आप हाइलाइटेड पोर्शन भी रख दें। अभी जिस पोर्शन को मैं कर रहा हूँ दोस्तों, वो है एक पॉन्ड। तो चलिए करते हैं। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मॉनसून के टाइम दोस्तों फील्ड से पानी निकलने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम भी होता है। अभी उसी पोर्शन को मैं कर रहा हूँ। दोस्तों पहले ही आपको बताया था कि आसमान को मैं दोनों हिस्सों पे डिवाइड कर चुका हूँ। इससे पहले तो लेफ्ट साइड के जो पार्ट थे वो मैं पहले ही कर चुका था, अभी इस पार्ट को भी कर लेते हैं।
दोस्तों, आज की जो सेकेंड फोटोग्राफी थी, जो मैंने पहले ही आपको दिखाया है, वो अगर ठीक तरह से आपने गौर किए होंगे तो हर पोर्शन का आइडिया आपको चल चुका होगा। दोस्तों, ये जो पेड़ अभी मैं कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत ही यूनिक सा लगता है। देखिए ये कितना बेंड हुआ है रास्ते के ऊपर ही। एक्चुअली ये पहले ऐसा नहीं था, किसी कारण की वजह से इसका डायना जो पोर्शन है वो पहले ही टूट चुका है। इसको मैंने पहले भी देखा है जब ये ठीक था। तो लीजिए दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स है ये भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। Thank you.
तो लीजिए दोस्तों, आज की ये जो आउटडोर स्टडी वाला पेंटिंग है ये लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये इनोवेटिव है या नहीं ये तो आपके कमेंट्स और लाइक से ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए या बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और साथ में कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।